आप डाउनलोड जब ERP9 को करेंगे तो आपको ज़िप फाइल मिलेगी, क्योंकि इसमें क्रेक होता है। अगर अनज़िप फाइल मिलेगी तो वो एंटीवायरस के कारण, मान लो चाहे तो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अगर अनज़िप फाइल अगर डाउनलोड होगी तो वो क्रेक हट जाएगा। आपको ज़िप ही फाइल मिलेगी डाउनलोड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आपको कैसे क्रैक करना है, पूरी बात मैं बता रहा हूँ। और अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान के नाम से अपनी कंपनी भी बना के आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए कैसे 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 आपको क्रैक करना है फाइल को।